सो प्लीज अगर आपका कोई भी रिलेटिव बाहर से आ रहा है प्लीज उनसे चॉकलेट्स मत मंगवाना, ये मंगवाना बिकॉज ये वर्थ इट है. नो फेस वॉश इन माई स्किन केयर रूटीन, मुझे भी बोलते हुए काफी अजीब लग रहा है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी व्हेरेवर यू आर. आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे मार्च फेवरेट प्रोडक्ट्स की, एंड इस बार तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास बिकॉज एक तो सीजन में इतना ड्रास्टिक शिफ्ट तो आया ना, मतलब गर्मियाँ शुरू नहीं हुई दिल्ली में, एकदम धड़ाम से आ चुकी हैं, बहुत पीक वाली गर्मी यहाँ पर पड़ रही है. इसलिए मैंने अभी एसी भी चला दी, आई एम जस्ट टेस्टिंग आउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि एसी की आवाज़ कितनी ज़्यादा आती है, मुझे एडिटिंग के टाइम पता चलेगा. सो अगर आपको एसी की आवाज़ आज थोड़ी सी आ रही हो प्लीज़ बेयर विद इट, अगर ज़्यादा आएगी तो मैं नेक्स्ट टाइम ऑफ करके करूँगी. बहुत ज़्यादा गर्मी है, टॉलरेंट नहीं होती. बहुत सारी चीजें मेरे पास फेवरेट्स बताने की, स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर नहीं है इस बार, मेकअप में काफी सारी चीजें, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ मुझे मार्च में क्या क्या पसंद आया. हैशटैग नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यूज, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले वापस आएंगे, सब्सक्राइब बटन पे हिट करेंगे, बेल आइकन पे हिट करेंगे, एंड नाउ लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट नंबर वन आपने ऑलरेडी देख लिया होगा मेरी मार्च की बहुत सारी वीडियोज में बिकॉज मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था मार्च में. सबसे पहले मैंने आपको ये अमेजोन हॉल में दिखाया था बिकॉज मैंने अमेजोन से परचेज किया था. उसके बाद मैंने एक एक्ने रेडनेस के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही फीचर किया था बिकॉज जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन होती है रेड हो जाती है, इनफ्लेम्ड हो जाती है. दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग. ये एक डॉक्टर रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर है जो इजिली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा. इसका नाम है एक्सला मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. ये सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, नॉन कॉमेडोजेनिक है और मैट फील ये क्लेम करता है, बट ऑनेस्टली ये मैट नहीं है एंड आई लाइक इट. मुझे पसंद है मॉइस्चराइजर जो एक्सट्रीमली मैट नहीं होते बिकॉज गर्मियों में जब आप एक्सट्रीमली मैट मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर लेते हो ना, फिर आप उसके ऊपर जब सनस्क्रीन लगाते हो सनस्क्रीन नहीं लगती, वो ग्लाइड ऑन नहीं हो पाती, वो अजीब सी पाइल होनी शुरू हो जाती है. तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लगती है. इनफैक्ट मार्च मंथ में मैंने शायद मॉर्निंग में इतने सीरम्स भी यूज़ नहीं किए बिकॉज इसका जो सेकंड इंग्रेडिएंट है ना, प्योरीफाइड वाटर तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, सेकंड इंग्रेडिएंट है इसका नायासिनमाइड. तो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में टॉप पे है, तो इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी होगी नायासिनमाइड की. तो मैंने मॉर्निंग में कोई सीरम यूज़ ही नहीं किया, मैं फेस वॉश यूज़ करती थी, टोनर यूज़ कर लेती थी और फिर मॉइस्चराइजर डायरेक्टली यूज़ कर लेती थी. आई लव इट, मुझे इसका टेक्स्चर काफ़ी पसंद है. सो इसका वाइट कलर का कुछ ऐसा टेक्स्चर है, आराम से एक पंप में मेरा पूरा फेस कवर हो जाता है, अच्छे से स्किन पर कवर भी हो जाता है. इट्स मोर लाइक अ लाइट जेल, लेकिन क्रीमी दिखता है, लेकिन इसकी जेल कंसिस्टेंसी जैसा एक टेक्सचर फील होता है एंड यू कैन सी द शाइन ऑन योर स्किन एज वेल. बहुत अच्छे से स्किन पर ग्लाइड हो जाता है और इसके ऊपर मेरी सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है. सो आई रियली लाइक इट. या मॉइस्चराइजर लग गया क्या? नहीं. तो क्लेम है ना कि ये सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, डेफिनेटली करता है और ये मेडिकेटेड है, डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. सेकंड मॉइस्चराइजर का भी एक रिकमेंडेशन है मेरे पास जो मैंने अभी रिसेंटली 2 या 3 वीक पहले शुरू किया. ये तो मैंने फेब के एंड और मार्च के फुल मंथ में यूज किया है. सो मेरे पास प्लम का वाइटामिन सी रेंज का पूरा एक पीआर किट आई थी, फ्यूचर में वीडियो भी आने वाली है विच इज इन स्पॉन्सरशिप विद प्लम, बट मैं प्रॉपर टेस्ट करती हूँ प्रोडक्ट फिर आपको बताती हूँ. सो उसे पूरी रेंज मेरे पास आई थी. यू गाइस नो मुझे प्लम का वाइटामिन सी सीरम कितना पसंद है. So, उन्होंने अपनी रेंज को एक्सटेंड कर दिया, इन्होंने फेस वॉश, टोनर और ये मॉइस्चराइजर भी लॉन्च किया है. सो मुझे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा लगा. अगर आप टीनेजर हो, आप अलग से सीरम नहीं यूज करना चाहते हो, फील लाइक मेरी अभी एज नहीं है सीरम यूज करने की, कुछ नहीं होता, आप मत यूज कीजिए. आप ऐसे मॉइस्चराइजर ले सकते हो, इसके अंदर नायासिनमाइड है, इसके अंदर वाइटामिन सी है. सो इसके अंदर 3% वाइटामिन सी है. ये ग्लो बूस्ट मॉइस्चराइजर है और ये एक्चुअल में ग्लो देता है, इसका बहुत अच्छा ग्लो आता है. सो मैंने इस हाथ में तो ये वाला एक चला लगाया था, मैं ये वाले हाथ में आपको दिखाने वाली हूँ. दोनों का जो टेक्स्चर है ना वो काफी सेम है, लाइक बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली सेम, ऐसी व्हाइट क्रीमी जैसे दिखते हैं, लेकिन ये और ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इसका एक स्किन पे एक शाइनीनेस आती है जैसा इसका क्लेम है. एक्चुअल में ये स्किन में बहुत अच्छा ग्लो देता है. सो आई रियली लाइक इट. अगर आप भी विटामिन सी सीरम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करना चाहती, यू कैन जस्ट यूज दिस वन. अगेन परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए बिकॉज लाइट है, हैवी फील नहीं होता, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है. पूरी विटामिन सी रेंज का रिव्यू करने वाली हूँ इसलिए मैं ज्यादा इसकी बात नहीं करूंगी, बट डेफिनेटली यू कैन बाय इट. मेरा एफिलिएट कोड भी है प्लम के साथ विच इज कशिका 15, सो आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. सो डेफिनेटली ग्रैब. माय नेक्स्ट स्किन केयर फेवरेट इज दिस फेस वॉश फ्रॉम सेरावी. मैंने सेरावी का एक और फेस वॉश फीचर किया था आई थिंक जैन या फिर फेब के फेवरेट्स में. वो जेंटल फेस वॉश था, नायासिनमाइड हाइलुरोनिक एसिड वाला, जो मॉर्निंग के लिए एकदम परफेक्ट है. वो काफी जेंटल था. बाय द वे लाइफ अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ, लाइफ अपडेट नहीं स्किन केयर अपडेट आप बोल सकते हो. मैंने मॉर्निंग में फेस वॉश यूज करना बंद कर दिया. यस, मार्च में तो मैंने पूरा करके देखा है ना, एक्चुअली वर्क फॉर मी, मतलब नो फेस वॉश इन माय स्किन केयर रूटीन. मुझे भी बोलते हुए काफी अजीब लग रहा है, बट ये सही में मेरे लिए वर्क किया है. सो मैंने किसी ना रील को स्किन
केयर डॉक्टर का कुछ देखा था, उसमें उन्होंने बोला था अगर आप रात को एक अच्छा नाइट टाइम स्किन केयर करते हो ना, आप एक अच्छा स्लीपिंग मास्क लगा लेते हो, जैसे मैं लगाती हूँ जो आपको आगे दिखाने वाली हूँ, मेरे मार्च फेवरेट का वो पार्ट है। सो सुबह पानी से भी अपनी स्किन को क्लेंज करो ना, आपकी स्किन कहीं क्लीन हो जाती है। आपको अननेसेसरी फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज उससे फिर अगेन आपका जो नेचुरल ऑयल है स्किन का वो भी चला जाता है, स्किन ना फिर और ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इसी वजह से शायद मेरी मॉर्निंग में स्किन गर्मियों में इतनी ज्यादा ग्रीसी हो जाती थी, बिकॉज मैं सुबह उठ के भी बहुत ज्यादा फेस वॉश एंड ऑल यूज करती थी, जो मैंने अब बंद कर दिया और मुझे सूट कर रहा है। मुझे मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन क्लीन नहीं होती, पोर्स मेरे क्लॉट रहते हैं। मैं रात को अब जो फेस वॉश यूज कर रही हूँ वो ये वाला यूज कर रही हूँ, ये सेरावी का साइसिलिक एसिड स्मूथनिंग क्लेंजर, ये ड्राई रफ और बम्पी स्किन के लिए। आई नो ये ऑयली स्किन क्लेम नहीं करता, बट ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया है। इसका जो क्लेम है वो भी बम्पी स्किन, जिनको कॉमेडाउंस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। ये काफी जेंटल साइसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर है। सेरावी अभी ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने यूएस से मंगवाया था। अगर आपका भी कोई रिलेटिव आ रहा है सेरावी मंगवा लो यार, ये सबसे बेस्ट ब्रांड है। बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है ना, तो अमेजोन पर ये काफी एक्सपेंसिव है। मुझे अगर ये पूरा जार 1000 या 900 का पड़ा, आपको यही चीज अमेजोन पे 2500 3000 की मिल सकती है, या फिर आप किसी इंस्टाग्राम सेलर से ले सकते हो। बट आई लव दिस वन, ये जेंटल है, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन है, फ्रेग्रेंस फ्री, नॉन कॉमेडोजेनिक, हाइपो एलर्जेनिक, साइसिलिक एसिड एक्सफोलिएट भी कर देता है मेरी स्किन को, तो एकदम परफेक्ट है। मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मेकअप करती हूँ, शूट करना होता है, थोड़ा बहुत सनस्क्रीन भी हम लगाते हैं, तो अगर आप सनस्क्रीन भी लगाते हो ना तभी भी हमें माइसलर वाटर यूज करके फेस वॉश यूज करना चाहिए। तो उस सेंस में ब्यूटिफुली वर्क कर रहा है, मतलब ये स्किन को क्लीन भी कर देता है, स्किन में ड्राई फील नहीं होती, मुझे कुछ कॉमेडॉन्स नहीं आ रहे, मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स जेंटल येट इफेक्टिव आई वुड से। सो सेरावे की जितनी भी हाइप थी ना, आई थिंक इट इज वर्थ इट। अब मेरा मन है इसके मॉइस्चराइजर्स भी मंगवाने का, बिकॉज मुझे इसके फेस वॉश बहुत अच्छे लगे। सो प्लीज अगर आपका कोई भी रिलेटिव बाहर से आ रहा है, प्लीज उनसे चॉकलेट्स मत मंगवाना, ये मंगवाना, बिकॉज ये वर्थ इट। माय नेक्स्ट फेवरेट्स आर फ्रॉम द ब्रांड डॉट एंड की के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया। आप सभी इतना ज्यादा बोलते थे डॉट एंड की रिव्यू करो, प्लीज बताओ कैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे जब लास्ट मंथ फेब में ऑब्वियसली दे रीच आउट टू मी, मैंने टेस्ट भी किया था, उसके बाद ही इनकी एक इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी। सो दे रीच आउट टू मी फॉर देयर सीका रेंज। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी अपनी पूरी सीका रेंज, जैसे ग्रीन कलर की आती है, सो उसमें फेस वॉश आता है, टोनर आता है, ये बॉडी का स्प्रे आता है और ये स्लीपिंग मास्क आता है। सो मुझे दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये लिटरली मैंने खत्म कर दिया। मैं काफी ज्यादा लगाती हूँ, मैं एक लेयर लगा के सोती हूँ, इसलिए मैंने इसको जल्दी खत्म कर दिया। बट अगर आप कम लगाओगे ना, ये आपका आई थिंक 2 महीने निकाल ही देगा। यू कैन सी बिल्कुल ये हिट द बॉटम वाला सीन हो चुका है। सो ये डॉट एंड की का सीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल, ये रात को यूज करने का ये जेल है, जो कहीं ना कहीं स्किन को काम डाउन करता है। अगर आपको नहीं पता सीका क्या होता है, सेंटला एसैटिका इसको बोलते हैं, आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट। ये एक बहुत अच्छा कामिंग इंग्रेडिएंट होता है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपकी स्किन रेड हो चुकी है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, आप उस टाइम कुछ सूदिंग प्रोडक्ट्स देख रहे हो, तो अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हो ना, उसकी बजाय आई वुड से ये लगाओ। इसका भी फर्स्ट इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल ही है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर साइसिलिक एसिड है, नायसिनमाइड है, ग्रीन टी है, इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है, सीका है, जो स्किन को काम डाउन करता है। मुझे पर्सनली रेंज बहुत पसंद आई और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है। इसमें जो खुशबू आती है ना, वो एक टीट्री वाली खुशबू है, जो एसेंशियल ऑयल वाली आती है, तो मैं इसको एसेंशियल ऑयल फ्री नहीं बोलूंगी, इन्होंने शायद टीट्री एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है, लेकिन वो कहना कि स्किन पे इरिटेट नहीं करता। मुझे ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, आप समर्स के लिए रात को कुछ ऐसा देख रहे हो जो स्किन को कहना कि नरिश भी करे, उसको कहना कि ट्रीट भी करे, गेट दिस वन। आप रात को फेस वॉश करो और फिर डायरेक्टली जेल लगा लो, आपको ये अननेसेसरी सीरम नहीं लगाना चाहते, इट्स ओके, बिकॉज इसके अंदर भी काफी अच्छे ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, सो दिस इज रियली नाइस। ऑल्सो मेरा एफिलिएट कोड भी है डॉट एंड की के साथ, विच इज कशिका 15। आप जब इनकी वेबसाइट पे लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा, सो डेफिनेटली ग्रैब दिस वन। मुझे नंबर वन ये बहुत अच्छा लगा इनकी रेंज में से, और सेकंड प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगा वो है ये डॉट एंड की सीका कामिंग बैक एंड बॉडी स्किन क्लैरिफाइंग स्प्रे। मैंने अभी रिसेंटली एक बॉडी केयर एसेंशियल वीडियो बनाई थी कि समर में बॉडी केयर में मैं क्या क्या यूज करना चाहिए, आप वो जाके देख सकते हो, मैं ऊपर भी लिंक कर दूंगी। उसमें मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं और उसमें मैंने ये भी फीचर किया था, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है, फाइंड इट वेरी वेरी कन्वीनियंट। इसका स्प्रे भी जो है ना मिस्ट काफी फाइन है और अच्छे से स्प्रेड होता है। सो ये बैक एंड बॉडी का स्प्रे है, आप लेग्स पर भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर साइसिलिक एसिड है, आई थिंक इसके अंदर 2% साइसिलिक एसिड है, देन इसके अंदर ग्रीन टी है, और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर आपको बॉडी पर एक्ने होता है, आपको बॉडी पर कहीं ना कहीं डेड स्किन है, आप स्क्रबिंग करते हो, आपको सूट नहीं करती, आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो आप ऐसा केमिकल एक्सफोलिएटर यूज कर सकते हो एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट। मैं इजिली ऐसे ऐसे करके स्प्रे कर लेती हूँ नहाने के बाद, अंडर आर्म्स पे भी मैं इसको काफी बार स्प्रे कर लेती हूँ, बिकॉज अंडर आर्म्स भी एक्सफोलिएट हो जाते हैं। मेक श्योर जिस दिन आप शेव करो उस दिन मत यूज करना, मैंने लिटरली गलती करी थी एंड
जो आग लगी थी ना, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, बिकॉज शेविंग भी एक फॉर्म ऑफ एक्सफोलिएशन होती है, ऊपर से आप केमिकल एक्सफोलिएटर यूज करो तो ज्यादा हो जाता है. तो जिस दिन आप शेविंग वैक्सिंग नहीं करते उसके एक या दो दिन बाद या उससे पहले यूज कर सकते हो. ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, बम्पीनेस को कम करता है. ओवरऑल आई लव्ड इट, मुझे इतना कन्वीनियंट लगता है यूज करना, इसलिए मुझे प्रोडक्ट काफी पसंद आ रहा है. सो दीज टू आर डेफिनेटली माई फेवरेट फ्रॉम द सीकर. नेक्स्ट स्किन केयर फेवरेट इज अ सीरम, एंड लिटरली द मोस्ट एक्सपेंसिव सीरम ऑफ माई लाइफ. मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी मैं 6,500 रुपए का सीरम यूज करूंगी अपने ऊपर, बिकॉज 6,500 बहुत ज्यादा होते हैं यार. इट्स नॉट समथिंग वेरी हाई एंड, में भी इतना नहीं आता. 6,500 का मैंने फाउंडेशन भी आई थिंक आज तक यूज नहीं किया होगा. बट ये ब्रांड है ही एक्सपेंसिव बिकॉज ये बाहर की ब्रांड है, इट्स बाय अ डॉक्टर. इनके प्रोडक्ट वैसे भी थोड़े से एक्सपेंसिव है. सो नायका पर ऑब्वियसली बाहर से आएगी चीज तो थोड़ी बहुत मार्जिन लगा के और एक्सपेंसिव हो ही जाएगी. बट द गुड थिंग इज इसका छोटा साइज भी आता है, तो अगर आप थोड़ा सा 1100-1200 की रेंज भी ले सकते हो, आप इसका छोटा साइज ट्राई कर सकते हो. मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है. मैं पहले नाम बता देती हूँ, उसका नाम है मुराद इन्वायरमेंटल शील्ड वाइटा सी ग्लाइकोलिक ब्राइटनिंग सीरम. आई लव्ड इट एंड आई कैन डेफिनेटली लाइक मैं इसको पूरा अप्रिशिएट कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने मार्च के मंथ में कुछ और यूज ही नहीं किया. मैंने इसकी अंडर आई सीरम आई थिंक आपको लास्ट मंथ के फेवरेट्स में दिखाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था. इनका वाइटा सी का अंडर आई सीरम भी आता है, वो बहुत अच्छे से मेरे लिए वर्क किया था. थोड़ी बहुत उसने फेडिंग शुरू करी थी मेरे डार्क सर्कल्स की, तो उसी से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रिजल्ट आने के बाद मैंने इसका सीरम निकाला. एंड दिस पार्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नायका. नायका से मुझे पिछले साल PR आया था, चीज़ रखी थी, इसलिए मैंने यूज करी है. आई लव्ड इट. सो अगर आपको नहीं पता, मैंने ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट ना वैसे ही काफी टाइम से बंद कर दिए थे. बहुत बीच में फियर मॉन्गरिंग शुरू हो गई थी, इंडियन स्किन को ग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज करना चाहिए, तो एक कहीं ना कहीं होता ना आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो. मैंने पिक्सी ग्लो टॉनिक सब कुछ बंद कर दिया था. सो मैंने जब इसको यूज करना शुरू किया ना, मुझे हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन अपने को फील हुई जब मैंने इसको फर्स्ट डे यूज किया. फिर मैंने इसके ब्लॉग्स पढ़े, मैंने गूगल पे गई ब्लॉग्स पढ़े, उसमें भी एक लिखा था कि हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन देता है बिकॉज ये वर्क ही ऐसा करता है. ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाइटामिन सी सीरम है विद ग्लाइकोलिक एसिड. इसकी पैकेजिंग काफी फैंसी है. इसकी जो छोटी पैकेजिंग है ना वो आपको ऐसी नहीं मिलेगी, बड़ी वाली पैकेजिंग ऐसी आपको मिलती है जिसके अंदर से दो चेंबर आते हैं, एक पीछे है और एक ये फ्रंट में. और आप देख सकते हो मैंने कितना यूज कर लिया पूरे मार्च के मंथ में. आई डोंट नो इफ कैमरा इज कैप्चरिंग और नॉट, लेकिन ये लिटरली यहां तक तो आ ही चुका है. आप जितनी बार भी ये पंप से प्रोडक्ट निकालोगे ना, वो मिक्स होकर ही आएगा, आपके दोनों प्रोडक्ट यहाँ से मिक्स होकर निकलेंगे. एंड दिस इज आउट ऑफ प्रोडक्ट लुक्स लाइक. काफी अच्छी सी कंसिस्टेंसी है, बहुत जल्दी स्किन में सिंक इन भी हो जाता है, बिल्कुल भी कोई चिपचिपाहट ग्रीसीनेस इतनी कोई फील नहीं होती, वेरी वेरी लाइट ऑन स्किन. मैं इसको यूज करती हूँ रात को बिकॉज इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी है, तो मैं इसको मॉर्निंग में नहीं यूज करना प्रेफर करती. मैंने पूरे मार्च मंथ में इसको रात को यूज किया एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से मेरे एक्ने मार्क्स में डिफरेंस आया है. जो मेरे पहले के बहुत ज्यादा स्टबर्न एक्ने मार्क्स थे ना, वो अब जाके थोड़ा थोड़ा फेड होने शुरू हुए हैं. बट प्लीज मेक श्योर कि आप नेक्स्ट डे सनस्क्रीन लगाकर निकलो. अगर आप छत पे भी जाते हो तभी भी लगाओ. मैं तो अपना फेस भी कवर करके आजकल छत पे जाती हूँ जब मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ, बिकॉज सन बहुत ज्यादा इस टाइम हार्श है. खाली SPF पे मैं रिलाई नहीं करती, कैप पहन लो, बकर हैट पहन लो, दोनों ही आपको प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड कहने के स्किन को एक्सफोलिएट करता है और सन सेंसिटिव भी बना देता है. ओवरऑल आई लव्ड इट. इसका जो ओनली कॉन है वो इसका प्राइस पॉइंट ही है. मतलब क्या कर सकते हैं, बाहर की ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, नायका पर लॉन्च होती है, थोड़ी बहुत तो महंगी मिलती है. तो आप चाहे बड़ी वाली मत लो, आई थिंक इसकी बड़ी वाली 6,500 की आती है, लेकिन इसका जो ये 30 ml का पैक है, इसका एक 5 ml का छोटा पैक आता है जो एक सिंगल ट्यूब आती है. उसमें से डबल आपको चेंबर नहीं मिलेंगे, सिंगल ट्यूब आती है, वो आपको मिल जाएगी 1150 की. और नायका पर ऑफर्स भी चलते रहते हैं, मुराद के अपने भी डिस्काउंट कोड होंगे नीचे जो आपको दिख जाते हैं. सो आई थिंक आपको 1000 तक का मिल जाएगा. सो अगर आप टेस्ट करना चाहते हो आप वो ले सकते हो. बट ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट विटामिन सी सीरम है. जितना इन्होंने प्राइस रखा है आई थिंक ये डेफिनेटली परफॉर्म करता है. स्टार्ट विद मेकअप कैटेगरी नाउ. अगर आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते, आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने मार्च के मंथ में 3 लाइव वीडियोस करी थी फॉर नायका. वो नायका की ऐप पर ही आई थी, शाम को 6 बजे के अराउंड मेरा वो लाइव जाता था 30 मिनट्स का. सो नायका मुझे पहले ही टॉपिक बता देता था कि आपको इस टॉपिक पर लाइव करना है. मैं उनको प्रोडक्ट्स पहले ही लिंक्स उनको सेंड कर देती थी और वो वॉच एंड बाय लाइव था. साथ साथ वो प्रोडक्ट नीचे दिखते थे आपको, आप खरीद सकते थे उनको, वो ऑफर पर भी आते थे. तो मुझे एक टॉपिक उन्होंने दिया था, ग्रीन स्मोकी आई आपको क्रिएट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज शिट स्केयर्ड. एक तो लाइव वीडियो ऊपर से आई शेडो करनी है, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है यार मेरी आई शेडो गेम थोड़ी सी वीक है. सो मैं पहले उनको मना करने वाली थी, बट देन आई वाज लाइक नहीं यार, कशिका लाइफ इज अबाउट चैलेंज, अगर इसको नहीं करेगी ना तो कहीं ना कहीं यार हर चीज अपने हिसाब से नहीं चलती ना. सो आई सेड ओके आई विल डू इट. सो एक या दो दिन पहले जब मैं लिंक्स बना रही थी, मैं ढूंढ रही थी, मैंने बहुत सारे आई शेडो पैलेट ढूंढे, मुझे वो पॉपिंग या ग्रीन जो एक सेक्सी वाला कलर होता है ना, मुझे नहीं मिला. एंड फाइनली मैंने ये वाला पैलेट खोला जो काफी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन मैंने एक्टिवली यूज नहीं किया था. इनफैक्ट कभी यूज
में किया था आई वुड से। ये मेकअप रेवोल्यूशन का इंटेग्रिटी वाइल्ड एनिमल पैलेट कुछ इस तरह से दिखता है। बाहर से कितना सेक्सी लग रहा है ना, इनफैक्ट इसका जो अंदर का बॉडी है वो भी कुछ इस तरह से है। और आप इसको देखोगे ना, आपको लगे अंदर एकदम स्मोकी आई वाले कलर होंगे, सेक्सी वाले कलर होंगे, बट नहीं, ये अंदर से है एकदम रंगीन कलरफुल पैलेट। लाइक लुक एट दिस, कितना कलरफुल ये पैलेट है। सो मेरे को जो शेड चाहिए था ना ग्रीन स्मोकी आई बनाने के लिए, लाइक एक शिमर चाहिए था, एक थोड़ा सा ऐसा वाला चाहिए था, मैंने ग्रीन प्रॉपर वाला ग्रीन नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा कॉकटेल वाला जो टील कलर होता है ना, मैंने वो वाला टील कलर की स्मोकी आईज करी थी। फिर मैंने ब्लैक कलर भी यूज किया था। सो मैंने उस टाइम जो लुक क्रिएट करी थी, एक काजल लिया था और यही वाली आई शेडो यूज करी थी। आप शायद जाकर देख भी सकते हो नायका की ऐप पर, आपको दिख जाएगा प्रीवियस लाइव में। दिस इज हाउ द पिगमेंटेशन लुक्स लाइक सिंगल स्वाइप में आप शाइन देख रहे हो कितनी अच्छी आई है। कोई भी इंडियन वेडिंग लुक क्रिएट करना चाहते हो ना, दिस पैलेट इज जस्ट परफेक्ट। पिगमेंटेशन इसकी अच्छी है और नायका पर तो आपको हमेशा सेल पर 50% ऑफ पे इजिली मिल जाएगा। इसका पैक ऑफ टू भी आता है जिसमें एक और पैलेट आता है मेकअप रेवोल्यूशन का, सो आप अपने फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ मिलकर ले सकते हो। नेक्स्ट फेवरेट इज अ ब्राउ डिफाइनर फ्रॉम द ब्रांड प्लम। प्लम ने रिसेंटली अपनी आई स्वेयर बाय, आई थिंक इसका यही नाम है, पूरी रेंज लॉन्च करी है जिसके अंदर एक ब्राउ डिफाइनर, एक लिक्विड आई लाइनर, मस्कारा और काजल। इन्होंने पहले प्लम का जो पेंसिल वाला आता था वो तो अलग था, लेकिन इस वाली रेंज में भी इन्होंने रिट्रैक्टेबल काजल लॉन्च किया है। तो मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स आए थे, मैंने वो अभी इतना यूज नहीं किया बिकॉज मेरे पास अभी सब कुछ रखा हुआ है, मैं अननेसेसरी चीजें नहीं खोल रही, फिर वो एक्सपायरी हो जाती है, खराब हो जाती है। बट मुझे एक ब्राउ डिफाइनर चाहिए था काफी टाइम से, जो ब्लैक कलर का हो, मतलब कहीं ना कहीं मेरी ब्लैक आईब्रोज पे चले। मैं कुछ भी लेती थी या तो बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाती थी, अजीब सी लगती थी, कोई ब्राउन वाला लेती थी तो मेरी आईब्रोज ब्राउन हो जाती थी। वो कैमरे पर शायद इतनी पता नहीं चलती लेकिन रियल लाइफ में ब्राउन कलर की दिखती थी। बट फाइनली आई गॉट वन जो बहुत अच्छे से मैच होती है। इसका जो शेड है वो है एश ब्लैक 01, इसका शेड ही यही है। लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट बात है ना, ये बिल्कुल पिगमेंटेड नहीं है, एज इन ये ऐसा नहीं है कि आप इसे यहाँ पे टच करोगे आपकी पूरी आईब्रो ऐसे ब्लैक हो जाएगी। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि आप कितना ही प्रेशर लगा लो ये उतना ही अप्लाई होगा जितना ब्राउ के ऊपर जाना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन वाई आई लव्ड इट। आप ये वीडियो में देख सकते हो मैं कितना प्रेशर लगा के हाथ पे स्वॉच कर रही हूँ, बिल्कुल वो काजल वाली वो नहीं आ रही, कलर पिगमेंटेशन नहीं आ रही, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज वो पिगमेंटेशन अगर आपकी आईब्रोज पे आएगी ना तो आपकी आईब्रोज एकदम ब्राउन जैसी हो जाएंगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो एक साइड को आपको ऐसी शेप मिलती है जो कहीं ना कहीं ऐसी स्लांट सॉर्ट ऑफ होती है, आप देख सकते हो इसकी एकदम पतली वाली ऐसी शेप है जिससे आप इजीली ऐसे फिलअप करके यहाँ पे इस एरिया में ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स मार सकते हो। और दूसरी साइड आपको मिलता है ये स्पूली। आई लाइक द फैक्ट इसका स्पूली कवर्ड आता है। एक दो पेंसिल्स अभी मार्केट में है जिनके स्पूली ऐसे ओपन होते हैं और फिर आप उसको कहीं भी रखो ना तो ये डर्ट कैच करते हैं, तो हाइजीन पर्पज से मुझे काफी सही लगा। यू कैन जस्ट फिल योर आईब्रोज और स्पूली से आप कॉम कर सकते हो। मैंने आज यही यूज किया एंड यू कैन सी कितनी अच्छी लग रही है। फर्स्ट टाइम मेरी आईब्रोज ना मतलब मुझे इतनी नेचुरल लगी, एट द सेम टाइम जो थोड़े बहुत बीच में गैप्स होते हैं ना वो इसने फिल कर दिया। 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, स्वेट ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट है, बिल्डेबल इसका पिगमेंटेशन है, स्मूथ एंड नॉन स्टिकी है। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। अगेन प्लम में मेरा कोड है सो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। प्लम पे काफी सारी सेल भी चलती रहती है सो आपको ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। कमिंग टू लिप फेवरेट, सबसे पहले मेरे पास ये लिप बाम फ्रॉम द ब्रांड सेरी एंड इट लुक्स लाइक अ पेंसिल लिटरली। अगर आप स्कूल गोइंग हो ना, आप लाइक 11th 12th में, ज्यादा छोटे बच्चों को तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, 10th 11th 12th से तो हम भी लिप बाम यूज करना शुरू कर देते हैं। और आप कैरी करना चाहते हो आप लिटरली अपनी ज्योमेट्री में भी डाल सकते हो बिकॉज एकदम पेंसिल और पेन जैसा ही फील दे रहा है, ऐसा लगता है कि कोई मेकअप प्रोडक्ट है। सो दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक। ऊपर से पेंसिल की इन्होंने टिप दी हुआ है बट ये खाली प्लास्टिक है। वंस यू ओपन इट लाइक सो यहाँ से आपका प्रोडक्ट निकलता है। आई लव्ड इट, मुझे ये लिप बाम इतना सही लगा ना। इसका अपना कोई कलर पे ऑफ नहीं, आप देख सकते हो खाली हल्का हल्का एक शाइन आता है, इतना कोई कलर नहीं देता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको काफी बार रात को लगाती थी एंड सुबह तक मेरे लिप्स कहने के हाइड्रेटेड रहते थे। मैंने अच्छे अच्छी ब्रांड के लिप बाम यूज किया, सुबह तक वो उड़ जाते थे, मतलब लिप्स पर कुछ रहता ही नहीं था, बट ये मॉइस्चराइज करके रखता है। आई लव्ड इट। लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है ये लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड स्पेक्टा। मैंने भी मार्च में वीडियो अपलोड भी करी थी इनकी, मैंने छह शेड्स का पूरा स्वॉच, लिप एंड हैंड स्वॉच डाला है विद रिव्यू। मैंने गिवे भी होस्ट किया था, गिवे अब खत्म हो चुका है, विनर्स मैं सून अनाउंस करने वाली हूँ, सो वेट फॉर इट। ये इन्होंने लिक्विड मैट लिपस्टिक लॉन्च करी और उसमें जो मेरा फेवरेट शेड मैंने मार्च में काफी यूज किया बिकॉज मार्च में मैंने काफी बार कुर्तियां पहनी है, इंडियन पहना है, तो मुझे इंडियन पे ना ऐसे बर्नड ऑरेंज जो शेड होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इतने टाइम से ना लिपस्टिक मिक्स करती थी कि मेरा ऐसा बर्नड ऑरेंज शेड मिल जाए बिकॉज मैं रेड नहीं लगाना प्रेफर करती, मैं ऐसे बर्नड ऑरेंज शेड ना इंडियन के साथ बहुत प्रेफर करती हूँ। इसका नाम है मेलो ड्रामा 703 एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। आई जस्ट शो यू अ स्वॉच, सी सच अ प्रिटी कलर। अगर आप भी मेरी तरह रेड लगाना प्रेफर नहीं करते बट यू फील लाइक इंडियन कपड़ों पे आपने कुछ रेड टोन में कुछ पहना है या ऑरेंज कलर की कुर्ती है, ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है स्पेक्टा, अगर आपको नहीं पता, इंडियन ब्रांड है, इट्स अ वुमेन ओन ब्रांड, ये इंस्टाग्राम पे भी काफी फेमस है। ये क्रुएल्टी फ्री वीगन लिपस्टिक्स है,
डेफिनेटली गो फॉर इट. मेरे इनके साथ कूपन कोड भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे. स्टे बहुत अच्छे से करती है, मेरे लिप्स चैप नहीं करती. ऑब्वियसली मैट है तो थोड़े टाइम बाद लिप्स हल्के से ड्राई फील होते हैं, तो मैं उसके ऊपर ऐसा लिप बाम लगा लेती हूँ जो अपना कलर इतना ज़्यादा पे ऑफ नहीं देता, तो मेरा काम चल जाता है. बट ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करती है. मैंने इसकी पूरी रेंज की जो वीडियो बनाई है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ वो देखना. मैंने इसके और भी कलर्स के अंदर स्वॉच करें हैं, रिव्यू करें हैं, सो आप डेफिनेटली देख सकते हो. बट दिस शेड इज़ माई लव. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ अ वेरी वेरी रीसेंट परचेज. अभी आई थिंक एक या दो हफ्ते पहले ही मैंने लिया होगा, बट मुझे शेड बहुत अच्छा लगा. ये मैंने अपने लोकल एरिया मार्केट से लिया था, बट आई थिंक अगर ये ऑनलाइन मिलेगा मैं नीचे लिंक कर दूंगी. ये स्विस ब्यूटी का कलर स्लैश नेल पेंट इन द शेड 03 एंड दिस आउट लुक्स लाइक. बहुत प्यारा न्यूड ब्राउन टोन ये कलर है. अगर आप भी मेरी तरह से न्यूड कलर लगाना प्रेफर करते हो, यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन, आप ज़्यादा लाउड चटैक कलर नहीं लगाना चाहते, आप थोड़ा सा फॉर्मल रखना चाहते हो, तो ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं. एंड ये ऐसे इंडियन स्किन टोन में इतनी प्रिटी लगती है ना. मेरा जो स्किन टोन है वो वीटिश है, हल्का सा सांवला कलर है, तो ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लैटर कर रही है. बिल्कुल मेरे स्किन टोन पे एकदम बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है. आई लव इट कि मैंने आई थिंक 50 rupees की ली थी. आई एम नॉट श्योर ये ऑनलाइन कितने की मिलेगी. अगर आपके वहाँ भी कोई लोकल मार्केट लगती है, कोई ब्यूटी शॉप होती है ना, तो ये स्विस ब्यूटी कलर स्लैश नेल पेंट एक बार सर्च करके देखना, यू विल लव इट. नेक्स्ट आई हैव अ बॉडी केयर फेवरेट, लेकिन ये फेवरेट भी है, लेकिन इसकी एक चीज़ मुझे पसंद भी नहीं आई, तो कहने की अभी मिक्स्ड रिव्यूज़ है. बट ओवरऑल ये मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहा है ना, तो मैं इसको फेवरेट्स में डाल रही हूँ. ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेज किया था. आपने मेरा समर एसेंशियल ऑयल नहीं देखा तो आप देख सकते हो. ये है जेलेट वीनस का ब्रीज वाला जो वर्जन आता है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे जेल बार्स मिलते हैं. यू कैन सी ये दो आपको जेल बार मिल रहे हैं जो अब कंप्लीटली सूख गए हैं, बट गीले होते ही ये क्या होता है, ये अपने आप ही कहीं ना कहीं जेली, मतलब कहीं ना कहीं गुईनेस, जो सोपीनेस होती है ना, वो ये छोड़ते हैं, और इससे शेविंग काफ़ी स्मूथ अचीव होती है. जल्दी जल्दी में शेव करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, गेट दिस वन. कोई बम नहीं आता, कोई कट नहीं आता, हल्का सा भी कहीं पे आपको पेन फील नहीं होता, बहुत स्मूथली ग्लाइड होता है. और ऐसे ऐसे जो नुक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे आपको ऐसे कहीं ना कहीं टर्न होता है, जो मेरा नॉर्मल वीनस वाला था ना, वो कभी काफ़ी बार कट दे देता था जब मैं बहुत जल्दी यूज़ करती थी, बट ये बिल्कुल भी कट नहीं देता. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बम्पी स्किन है, आपको कट्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, इसको यूज़ करके देखो, यू विल लव इट. इसके भी आपको रिफिल्स मिल जाते हैं, सो आप यहाँ से जब हटाओगे आप नया एक रिफिल लगा सकते हो. मुझे इसका यूसेज बहुत अच्छा लगा, लेकिन आफ्टर दैट ये इतना गीला होता ना ऊपर नीचे से. अभी तो ये सूख चुका है बिकॉज एक या दो दिन हो चुके हैं, मैंने परसों शेव किया था तो ये पूरा सूख गया, बट उस टाइम ये इतना गुई गीला रहता है. अगर आप इसको कहीं पर भी ऐसे रख दोगे या फिर किसी भी अपने वुड के कंपार्टमेंट में या फिर वॉशरूम में कहीं रख दो ना, पूरा एरिया अजीब सा चिपचिप हो जाएगा बिकॉज ये गुईनेस अपनी छोड़ता रहता है. लास्ट बॉडी केयर फेवरेट इज दिस पॉकेट परफ्यूम और बैग परफ्यूम और टाइनी परफ्यूम, वॉट एवर यू से. ये स्किन बाय टाइटन का न्यूड वेरियंट और दे परफॉर्म है. ये EDP है, इट्स अ प्रॉपर परफ्यूम जो काफ़ी लास्ट करता है. एंड लुक एट द बॉटल. मैंने जस्ट अभी एक या दो दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी बेस्ट परफ्यूम्स पे, बेसिकली जितने मेरे पास बॉडी मिस्ट है परफ्यूम है, वो प्लीज़ आप जाकर देखना. मैंने उसमें बहुत अच्छे से रिकमेंडेशन किए हैं और इसमें मैंने ये भी फीचर किया था, आई लव्ड इट. बैग्स के लिए, छोटे छोटे क्लच के लिए एकदम ये परफेक्ट है. सो दिस आउट द परफ्यूम बॉटल लुक्स लाइक, बहुत अच्छा इस पर ओम्ब्रे ऐसा इफेक्ट जा रहा है. एंड इट इज़ अ स्प्रे बॉटल, ये रोल ऑन नहीं है, ये स्प्रे है, और स्प्रे इसका काफ़ी अच्छे से स्प्रेड होता है. आई लव इट. इसकी मुझे जो फ्रेग्रेंस है ना वो एकदम परफेक्ट लगती है. वो एक्सट्रीमली ऐसे स्वीट नहीं है, एक्सट्रीमली ऐसे सिट्रसी नहीं है. इसका वुडी जो बर्गमॉट वाला जो एक फ्रेग्रेंस होती है ना, जो काफ़ी क्लासिक लगती है, जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. फाइनली कमिंग टू इंस्टाग्राम स्मॉल बिजनेस शाउट आउट ऑफ द मंथ. आई थिंक मैंने फेब में नहीं किया था बिकॉज इतना मुझे कोई PR एक्टिवली आया नहीं था और कोई था भी नहीं, बट मार्च में मुझे रिसीव हुए हैं ये पूरा PR जो है, स्क्रंचीज, हेयर बैंड, वी हैव एन ऑर्गेन्जा बैग, और एक इन्होंने मुझे कीचेन भी भेजी थी, वेयर इट इज़. इन्होंने मुझे K नाम की कीचेन भी दी थी, या हेयर इट इज़ जो ऐसे कुछ दिखती है, K नाम की है. देन वी हैव वेरी नाइस स्क्रंचीज, इन्होंने मुझे हेड बैंड दिया था और ये ऐसे बो वाला आता है. आई लव देयर फीड एज वेल, काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग इन्होंने अपनी फीड बनाई हुई है. यू हैव लॉट ऑफ स्क्रंचीज, हेड बैंड्स, बो टाइज, ऐसे कस्टमाइज वाले की चेन, मुझे बहुत अच्छे लगे. आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ द स्क्रंचीज एज वेल. इज ऑल्सो डिस्काउंट कोड कशिका 10, आप जब इनको DM करोगे आप ये कोड यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ. एफिलिएट कोड नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग शाउट आउट टू सच स्मॉल बिजनेसेस. दैट इज इट फॉर माई मंथली फेवरेट्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कोई डिस्काउंट कोड होगा तो वो भी मिल जाएगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.